सागवाड़ा राजकीय चिकित्सालय के पालना गृह में मिला नवजात शिशु। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में आज सवेरे 7 बजे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इस्माइल दामड़ी को सूचना मिली कि पालना गृह में किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात शिशु को छोड़ दिया है। मौके पर पहुंचकर पालना गृह से शिशु को FBNC वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर इस्माइल दामड़ी के अनुसार नर शिशु, जिसका वजन 2 किलोग्राम है और स्वस्थ है, फिलहाल उसे बाल विकास समिति को रेफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के पालना गृह में अलार्म की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिशु को पालना गृह में छोड़ देने के बाद समय पर अगर जानकारी नहीं मिलती है तो एकांत में बाल गृह होने की वजह से शिशु के साथ अनहोनी घटना भी हो सकती है, क्योंकि अस्पताल में आए दिन कुत्ते, बैल, बिल्ली और अन्य पशु विचरण भी करते रहते हैं। फिलहाल समय रहते सूचना मिल जाने से बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित प्राप्त कर लिया गया है। हमें ये बच्चा पालना गृह जो हॉस्पिटल अपना जिला चिकित्सालय वहाँ पर मिला है सागवाड़ा में, और सुबह करीब 7 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्चा यहाँ पर अज्ञात किसी व्यक्ति द्वारा रखा गया हुआ है। मेल चाइल्ड है, लड़का है और 2 किलो उसका वजन है और बच्चा स्वस्थ है, और अभी उसकी कंडीशन ऐसी है कि हम इसको आगे कहीं भी जो बाल विकास समिति वहाँ पर भेज सकते हैं तो हम उसको वहाँ पर यहाँ से वहाँ के लिए उसको रेफर करेंगे, आगे भेजेंगे। नहीं, उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मांगे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पर कोई पहचान हो सके, और बच्चा कहीं भी जन्मा हुआ उसके बाद आगे छोड़ा गया गया व्यक्ति द्वारा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।